नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्सेज के एडमिशन्स के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, किन कॉलेजेस में, किन यूनिवर्सिटीज़ में आपके, किन या स्टेट्स में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग चल रही है, किन स्टेट में अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए, इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी मिलेगी। तो सभी टॉप इंस्टीट्यूट के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अलग अलग स्टेट के बारे में। ये पार्ट टू है, एक पार्ट वन भी बना रखा है कुछ स्टेट का, उसमें बताया था। बाकी जो बचे हुए कुछ स्टेट्स हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में आपके BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं 2021-22 सेशन के, और बहुत जल्द आपके रिलीज होने के चांसेस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे उड़ीसा में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। अभी तक उड़ीसा में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट उड़ीसा में सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है वो आपका हिमवटी नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जो आपकी देहरादून में, वो कंडक्ट करती है BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द रिलीज़ होगा। जैसे रिलीज़ होगा हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही आई कि आप 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो आपका कम्युनिटी हेल्थ में है। तो अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लिंक जो वेबसाइट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं आएगा, इसमें लिख रखा है न्यू अपडेट्स कमिंग सून। तो बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे आपके उत्तराखंड में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं PGI चंडीगढ़ की। तो PGI चंडीगढ़ में सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग आपकी BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए, उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। वो अब आपकी 20 सितंबर को होगी, मंडे को, और 11 बजे आपको जो भार्गवा ऑडिटोरियम है वहाँ पे पहुँच जाना है। BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, और कट ऑफ के रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। हो सकता है आज शाम को या कल तक नोटिस इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। जैसे ही नोटिस आता है आपकी कि कौन से स्टूडेंट आपके PGI चंडीगढ़ के BSc नर्सिंग की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं IGMC शिमला की। तो IGMC शिमला के भी BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स नहीं स्टार्ट हुए हैं। तो आपके हिमाचल प्रदेश में BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके इस मंथ के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रिलीज हो जाएंगे। जैसे रिलीज़ होते हैं हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। अभी तक आपके IGMC शिमला के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के, और जो आपका BSc नर्सिंग कोर्स है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए। HPU शिमला के भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग बाकी डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको उन वीडियोज़ के लिंक दे रखा होगा। अब बात करें एम्स न्यू दिल्ली की। तो एम्स न्यू दिल्ली के लिए BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट होगा। तो उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, आने वाले 5 से 7 या 10 दिनों में इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और कोई भी डाउट हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। तो इसके BSc नर्सिंग के सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपकी चल रही है इसकी, और आपके फार्मेसी के एडमिशन्स पंजाब में चल रहे हैं। अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए BFUHS.ac.in है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में आपके BSc नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो लास्ट डेट आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 अक्टूबर है। तो 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा हरियाणा में BSc नर्सिंग, BPT और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो यही सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में। राजस्थान में भी आपके अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं BSc नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के। आपके पंजाब में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, और बाकी आपके कुछ स्टेट्स में हमने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई अदर स्टेट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।